Assalamualaikum students, welcome to online classes and free education. Assalamualaikum dear students, myself Shahzad Sharif, computer science teacher. आज का lecture number 25, 9th class के लिए है, जो कि page number 18 पर है, और आज का हमारा topic है hard disk and compact disk. जैसा कि हम storage devices को discuss कर रहे थे, तो storage devices में जो first two types हैं devices की, जो हमने previous lecture में discuss किया था first two types, वो hard disk और compact disk थे. Further भी two types थी, वो हम next video में discuss करेंगे. तो आज हम हार्ड डिस्क और कंपैक्ट डिस्क को डिस्कस करेंगे. ओके, सो हार्ड डिस्क. अ हार्ड डिस्क इज अ लार्ज बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस. हार्ड डिस्क एक बड़ी बैकिंग स्टोरेज का आला है. मतलब बैकिंग स्टोरेज मींस जो डेटा परमानेंटली सेव होता है. तो लार्ज मींस इसमें हमारे पास जीबीज में डेटा हम सेव कर सकते हैं. जैसा कि लैपटॉप्स के अंदर आजकल हमारे पास 500 जीबी और इवन के टीबी के अंदर भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है. मींस 1024 जीबी मेक्स अ 1 टीबी, एक टीबी बनाती है. तो आजकल हमारे पास 1 टीबी, 2 1 2 3 टीबीस की हमारे पास हार्ड डिस्क आ रही हैं. It consists of several inflexible circular disk called platters. ये मुश्तमिल होती है काफी कई inflexible, जो flexible नहीं होते. Circular disk called platters, gold disk पर जिन्हें हम platters कहते हैं. देखें, ये हमारे पास circular platters होते हैं. ये देख सकते हैं आप gold disk, जो कि हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं. और ये हमारे पास गोल डिस्क होती है, और यहाँ पर पूरी लिस्ट होती है. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, काफी ज्यादा हमारे पास यहाँ पर डिस्क होती हैं, जो डेटा को सेव करने के लिए यूज होती हैं. On which items are stored electronically, जिसमें data electronically save किया जाता है, जमा किया जाता है. Next देखें, the hard disk is in most in desktop and laptop computers is housed inside the system unit. जैसा कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि हमारे पास जो hard disk होती है, वो ज़्यादातर कहाँ कहाँ include होती है, desktop computers में, और जो हमारे पास सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, उसको उसके सिस्टम यूनिट के अंदर होती है. ठीक है. इट कंसीडर फिक्स्ड डिस्क बिकॉज़ बीइंग नॉट पोर्टेबल. ये हमारे पास लैपटॉप के अंदर फिक्स्ड लगी होती है, जो कि हम निकाल के इधर उधर नहीं ले जा सकते. इसी तरह हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के अंदर भी वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, हमें इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं होती. पोर्टेबल वो चीज होती है जो हम इजीली ले जा सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह. हार्ड डिस्क आर सील्ड टाइटली, काफी ज्यादा टाइटली ये बंद होती है, टू कीप आउट द कंटेनमेंट्स. कंटेनमेंट्स मींस जो कि हमारे पास ये टाइटली बंद होती है, ये हमें बचाती है डस्ट और स्मोक पार्टिकल से, मतलब मिट्टी से और जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उससे हमें ये बचाती है हार्ड डिस्क को. विच में रिजल्ट इन हेड क्रैश, जिसका जो नतीजा होता है वो हेड क्रैश होता है. मतलब अगर हमारे पास डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स ऊपर पड़े, तो जो हेड होता है वो क्रैश हो जाता है. देखें, ये आपको मैं हेड दिखाता हूँ. ये हमारे पास जो हार्ड डिस्क का हेड होता है, ये रीड राइट के लिए यूज होता है. देख सकते हैं आप, ये छोटा सा, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये रीड राइट के लिए यूज किया जाता है. बस जो है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी बोलते हैं. आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल सीडीज होती हैं या डीवीडीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास गेम्स की सीडीज होती हैं, तो ये वही कॉम्पैक्ट डिस्क है.
कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट, एक हमारे पास जो फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधी, राउंड, राउंड मीन्स गोल, पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम मीन्स इजीली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट यूजली 4.5 inches इन डायमीटर, इसका डायमीटर टोटल जो ये गोल होती है वो 4.5 इंच की गोल होती है, एंड लेस देन 1/20th ऑफ एन इंच थिक, और इसके हमारे पास जो हिस्सा है 20वें हिस्से में इतनी ज्यादा पतली होती है, थिक मीन्स पतली। कंपैक्ट डिस्क स्टोर आइटम्स बाय यूजिंग लेजर बीम, कंपैक्ट डिस्क लेजर बीम की मदद से डेटा को इस्तेमाल, लेजर बीम को इस्तेमाल करते हुए डेटा को जमा करती है या सेव करती है।